सर आपकी जो सिंगम आई थी फर्स्ट सिंगम, तब से आज तक इस सिंगम में पर्सनल लाइफ में और नॉर्मल में क्या बदलाव है? आई थिंक कोई बदलाव नहीं है, 10 साल हो गए लेकिन ऐसे लगता है कि अभी कल की बात है और लाइफ वैसे ही चल रही है, सब वैसे ही चल रहा है, बच्चे बड़े हो रहे हैं तो थोड़ा एक जो ठहराव और मैच्योरिटी आती है उतना ही फर्क पड़ा बस। आपकी जो बॉन्डिंग है रोहित शेट्टी साहब के साथ, उसका कितना इस पर फर्क पड़ता है, कितना फ़ायदा होता है जब आप इस तरह की फिल्म पे काम करते हैं? आई थिंक फ़ायदा ये होता है कि मैं रोहित को अच्छी तरह जानता हूँ तो मुझे पता है कि उसको क्या चाहिए और रोहित को मेरी पर्सनालिटी के बारे में भी पता है तो उसको पता है कि मैं कैसे प्रेजेंट करूँगा, क्या किस चीज़ में कंफर्टेबल हूँ, किस चीज़ में नहीं हूँ, तो एक उस बॉन्डिंग की वजह से एक अच्छा स्क्रिप्टिंग लेवल पे ही काम अच्छा हो जाता है। और जब ये फिल्म बन रही थी सर, इसमें मल्टी स्टार कास्ट ऐड होती रही, किस तरह से? ऐड नहीं होती रही, शुरू से यही प्लान था। अर्जुन की एंट्री हुई थी, हमें पता चला लास्ट मिनट एंट्री हुई। हाँ, तब विलन की कास्टिंग जरूर थी बट वो कास्टिंग लास्ट मिनट भी हुई एंड वी ऑल वर वेरी हैप्पी और टचवुड आज काफ़ी लोग कुछ उल्टा सीधा बोल रहे थे लेकिन आज अर्जुन ऑडियंसेस को बहुत पसंद आ रहा है और मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए, क्योंकि जब एक आदमी मेहनत करता है और एक अच्छा एक्टर होता है उसको अपना ड्यू कभी ना कभी तो मिलता ही है, जो अर्जुन को मिलना शुरू हुआ है तो आई थिंक ये उसके लिए एक बहुत अच्छी शुरुआत है। ये थोड़ा अनफेयर भी होता है सर, इंडस्ट्री निगलेक्ट कर देती है उसकी, एक फ्लॉप, दो फ्लॉप, चार फ्लॉप हो गया तो उसको मौके नहीं मिलते। वो पार्ट ऑफ द गेम है, उसको ना हम बदल सकते हैं ना कोई बदल सकता है, बस अपना काम करते रहो, मेहनत करते रहो, सही वक्त पे, सही टाइम पे सही प्रोजेक्ट बनता है और तब आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो जो अर्जुन ने किया। जब ये फिल्म आई सर, इसकी अनाउंसमेंट आई दिवाली पे, अचानक से दो फिल्मों का आ जाना, सर क्या ये क्लैश टाला जा सकता था? सबने टालने की बहुत कोशिश की, वो हुआ नहीं। मैं तो चाहूँगा कि कभी कोई क्लैश हो ना हो क्योंकि उसमें नुकसान फिल्म इंडस्ट्री का ही होता है, बट अब हमारी फिल्म हम हट नहीं सकते थे क्योंकि दिवाली और जैसे आपने फिल्म अगर देखी जो थीम है रामायण की कि 9 दिन दिवाली से पहले से कहानी शुरू होती है, तो अब ठीक है, दोनों पिक्चरें अच्छी चल रही हैं। आपने इस फिल्म के दौरान कोई ऐसा यादगार किस्सा जो आप हमारे से दर्शकों से कुछ शेयर करना चाहें जो याद है? ऐसा कुछ नहीं है बट काफ़ी मुश्किल फिल्म थी क्योंकि बहुत बड़ा स्केल था और इतनी बड़ी कास्ट थी, बट सब स्मूथली निकल गया तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। सर आपने मीम्स देखे हैं जो आता माजी चटकली से लेके और जो हाथ हिला? मैंने बहुत ज़्यादा मीम्स देखे नहीं है लेकिन मीम्स कुछ बहुत फ़नी होते हैं और उसको हेल्दीली अपने आजकल तो लोग मीम्स खुद बनाते हैं अपनी फिल्मों का प्रमोट करने के लिए, तो आई थिंक इट्स फन। बट जब भी आप जाते हैं बच्चे भी आपका एक्शन करके दिखाते हैं, पुलिस यूनिवर्स कॉप यूनिवर्स की इज्जत को बहुत बढ़ावा मिला जब से सिंगम के एंट्री, रोहित शेट्टी साहब को भी और आपको भी पुलिस की तरफ से भी बहुत सराहना मिलती है, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? उसके हम बस बहुत शुक्रगुजार हैं कि इतना प्यार मिलता है ऑडियंस से और काफ़ी टाइम से फिल्मों में हमेशा पुलिस को नेगेटिव ही दिखाते थे, तो आई थिंक सिंगम पहली फिल्म थी, पहली मतलब पहली नहीं कहूँगा, गंगा जल भी आ चुकी है, बट जिस फिल्म में जो एक आइडियल पुलिस ऑफिसर होना चाहिए वो दिखाया गया और वहाँ से फिर एक ट्रेंड सा बन गया, अभी काफ़ी लोग पॉजिटिव यू नो पुलिस की फिल्में बनाते हैं जो बहुत अच्छी बात है। आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स और कौन से हैं, कुछ थोड़ा हिंट देंगे? नेक्स्ट फिल्म अब जो रिलीज होगी वो रेड 2 होगी, फरवरी में होगी। जैसे आप भी अभी डेब्यू कर रहे हैं उनके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, वो उनकी फिल्म में भी मेरा एक अच्छा खासा रोल है, उनका ट्रेलर आया है, लोगों को पसंद आ रहा है, फिंगर्स क्रॉस्ड, वेरी हार्ड वर्किंग बॉय। और अच्छा खासा नहीं सर, आपने उसमें सुनील दत्त साहब की याद दिलाई है काले घोड़े पे काले कपड़ों में पहने हुए, हम तो वही जमाने के लोग हैं ना, आपने बिल्कुल, आप कहीं ना कहीं प्यार करते होंगे उनसे, इनकी पिक्चरें देखी होंगी या क्या? दत्त साहब के हम सब फैन रहे हैं और बिल्कुल कंपेयर किया जा रहा है, कितना प्यारा आपने सीन दिया। एक्चुअली जब से मैं इंडस्ट्री में आया हूँ सब ये कहते थे कि दत्त साहब से शक्ल मिलती है, तो आई थिंक उसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और तो बहुत ही बड़े बड़े काम किए उन्होंने, बहुत बड़े एक्टर थे, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल। बस मैं लास्ट में ही पूछ रहा हूँ, अजय देवगन की दुनिया फैन है, अजय देवगन किसके फैन है? हाँ, पता नहीं मैं किसका फैन हूँ, मेरी दुनिया तो बस अब बच्चों के इर्द गिर्द घूमती रहती है, बाकी ज़्यादा मैं सोचता नहीं।